इसलिए हम दोनों को एक्चुअली साथ में, हम उठे, अलार्म की आवाज़ नहीं आई, मम्मा हम पर्दे वर्दे खोल के चले, अरे उठो लेट हो रहा है क्या हो रहा है, और फिर हम दोनों ऐसे उठे एक साथ, एक साथ लिटरली हम एक साथ उठे बेड से, एक साथ ऐसे उठे, हाँ, फिर दोनों वॉशरूम ऑक्यूपाइड, हम लोग चले गए रूम में, हम लोग की आदत है उठेंगे, मम्मा वैसे रेडी करके रखा था, हीटर वाज ऑन, एवरीथिंग इज डन राइट, बट फिर भी हम ने लेट कर दिया, हम लोग की आदत होती है, हम लोग उठेंगे जाएंगे रूम में फिर लेट जाते हैं, नींद बहुत आ, जानना चाहूंगी कि डेली कितने बजे उठते हैं आप, संडे के दिन कितने बजे उठते हैं, और आज संडे भी है, तो हम आपको बता दें जब काम होता है तो हम टाइम पे उठ जाते हैं, या टाइम से पहले उठ जाते हैं, या आधी रात में भी उठ जाते हैं, यू नो कभी कहीं जाना होता है एयरपोर्ट के लिए, या कॉल टाइम जल्दी का होता है, टाइम नहीं होता है तो देन इट डिपेंड्स, लेट सोए तो फिर लेट उठते हैं, पार्टी किया तो फिर तो 11 बजे 12 बजे डिपेंड्स, बट अगर हम लोग बहुत लेट राइजर्स नहीं है, आप ही बोलो, नहीं नहीं आप बोलिए, हम लोग लेट राइजर्स नहीं है, जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाता है, लेकिन अगर कभी जैसे रात को थक जाते हैं, लेट होता है तो जैसे कभी 2 बजे या 3 बजे कुछ ऐसे सोते हैं, तो फिर मैं तो अपना बता रहा हूँ पर्सनल कि मैं पर्सनल तो मैं 12 बजे 11 बजे 11:30 परफॉर्मेंस हमारी नहीं है, हम परफॉर्मेंस देखने आए हैं, और होगी भी तो अयान कर देगा, अयान तो बहुत डांस करता है, और अयान तो बहुत अच्छे स्टार करता है, मैं फंसाती नहीं हूँ, मैं ऐसे फंसाती हूँ, तुमको टैलेंट शोकेस करने का, क्या है ये, सो कितने एक्साइटेड है ऑडियंस और फैंस से मिलने के लिए, बहुत एक्साइटेड है, सो फ्रेश और यू नो फुल ऑफ एनर्जी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, ये लेट्स सी मॉर्निंग फेसेस सारे फैंस के एंड दे विल सी आवर्स, यहां पे और माल न्यूट्रिशन के लिए भी फाइट किया सर, सो उसके बारे में क्या ठीक है, आपको ये भी जानना तो मुझे हमेशा से पता था कि मलाड मस्ती होता रहा है, लेकिन ये एक सोशल कॉज के लिए हो रहा है ये मुझे कभी पता नहीं चला, इनफैक्ट ये मुझे इसी बार पता लगा, एंड आई वाज सो हैप्पी, मुझे लगता था कि यू नो ऐसे ही ये करते हैं साल में एक बार, ताकि यू नो पीपल कम हियर एंड हैव फन, बट जब मुझे पता लगा एक सोशल कॉज जुड़ी हुई इससे, तो आई वॉज रियली हैप्पी, एंड आई वॉज इवन मोर हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो कि इसके वजह से ये होने के बाद भी इतने लोग यू नो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, बिकॉज ऐसे सोशल इवेंट में कम लोग आते हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट के यू नो इतना अच्छे से वो होगा, और ये कहीं से फील नहीं देता है ऐसे सोशल कॉज वाले इवेंट के, एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप कि ऐसे ही हर साल लोग बढ़ते रहें और ये इवेंट को अटेंड करते रहें। ओके, आप दोनों टिकटॉक पे तो साथ में नजर आते ही है, एल्बम सॉन्ग भी आपके आते रहते हैं, जानना चाहूंगी कि टीवी सीरियल्स में भी आप लोग दोनों साथ में दिखने वाले या फिर कुछ आने वाला है? सो वी आर नॉट अप फॉर टीवी, वी आर नॉट डूइंग टीवी, अयान का तो नहीं आया इससे, मैं आई एम नॉट डूइंग टीवी, सो हर जगह तो आप साथ में देखते हैं, हाँ दैट इज़ व्हाट आई सेड मूवीज, आई विल मेक अनाउंसमेंट्स वेरी वेरी सून, पॉसिबल है तो कुछ ब्रीफ में अगर बता सकें? नहीं बता सकती मैं ब्रीफ में, आई एम सो सॉरी। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप दोनों के? यू वांट टू से एनीथिंग, अदरवाइज ये बोलेगा आप सब बोल देती हैं फिर मैं क्या बोलूँ। ठीक है, ये वाला आप बोल दीजिए। ओके, तो अयान के बहुत अच्छे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भी हम अनाउंस नहीं कर सकते, और ब्रीफ में अयान बहुत जल्दी अनाउंस करेगा, वो जा रहा है शूट करने, इसी मंथ जा रहा है अयान बाहर, अभी 7 और जा रहा हूँ, हाँ, और मेरे जो भी सॉन्ग्स आएंगे वो तो मैं अपडेट देती रहूँगी, वो तो आपको मिलते रहते हैं अपडेट्स, बाकी जो और अनाउंसमेंट्स हैं वो हम बाद में करेंगे। नहीं एक्चुअली हम जैसे ही आए हम यहाँ पे आ गए, हमने हम लोग 5 मिनट पहले आए और अभी ये सब। ओके, जब ऑडियंस से इतना प्यार मिलता है तो कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स लाइक यू नो वी कांट इवन डिस्क्राइब के कैसा फील होता है, बिकॉज वो फीलिंग आपको समझ भी नहीं आती है, इतना अच्छा ओवरवेलमिंग लगता है, सो यार बहुत ज़्यादा प्यार। एंड लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? क्या बताना चाहेंगे, हम उन्हें थैंक्स करना चाहेंगे क्योंकि वो हम लोगों को, हम दोनों को साथ में इतना प्यार देते हैं, और थैंक यू फॉर दैट, और आई'd लाइक टू से दैट यू नो प्लीज़ कम विजिट हियर एंड कम टू दिस इवेंट, बिकॉज ये एक सोशल कॉज जुड़ी है इससे, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ रैंडम इवेंट जो कि सिर्फ मज़े के लिए या फ़न के लिए होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आएँ और यहाँ पर आप बोर भी नहीं होंगे, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, सो डू कम। मैं सब बोल देती हैं, सेम क्या, सेम बोल देना, सेम एज अप्पी सेड, सेम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और, एक और, एक और बात, जिन्हें आप टिकटॉक पे फॉलो नहीं करते ऐसा हो ही नहीं सकता। यार मैं उसका नंबर 1 फैन हूँ, यहाँ पे कौन है उसका फैन?
होती है आप लोगों में, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। Songs and singles that you've been releasing, you've become a sensation there also. Itne sare gaane, itne khubsurat music videos jo ki sab dekh rahe hain. So like a little something if you want to tell the audience jo ki aa rahe hain. So pasand aa rahe hain aap log ko mere gaane? Thank you so much. Thank you. Itna zyada pyar dene ke liye. Thank you so much. Jo bhi aur updates honge aur jo bhi new announcements honge, wo main aapko de di rahungi. Aap mujhe follow karte hain. गणेश नायर, आप जहां भी हो प्लीज कम टू द बैक स्टेज। गणेश, यू आर नीडेड। क्या बात है, मस्ती का इंजेक्शन, थोड़ा सा एनर्जी आ रही है।
इसे बोलते हैं एक्साइटमेंट, इसे बोलते हैं जुनून, इसे बोलते हैं पैशन जो हम लोग में है। कहीं भी आप देखोगे ऐसा जुनून आपको नहीं मिलेगा। सो आप लोगों के लिए तालियां, आप लोगों के लिए बहुत तालियां हो जाए जोरदार। ओके ओके, बात बात में पहले एक सेल्फी ली जाए। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी और जाना। गुड मॉर्निंग। कितनी मस्ती करना है मलाड मस्ती में? बहुत मस्ती करना यार, हम तो मस्ती करने के लिए पैदा हुए हैं यार। मस्ती हमारे खून में है और मलाड मस्ती एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, माल न्यूट्रिशन के लिए हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। आओ भैया, रुको यार भैया। तो यार सबसे मज़ेदार बात यह है, बच्चों के लिए बहुत कुछ होता है, कहीं पर किक बॉक्सिंग है, कहीं पर स्केटिंग हो रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो यार ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से असलम भाई ये देखते हैं, ये संभाल के चलते हैं बच्चों के लिए, यूथ के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से आप इंटरेक्ट करने वाले हैं? इस तरह से इंटरेक्ट करने वाले हैं, ऐसे तो हो नहीं जाएंगे, नॉर्मल जैसा है इंटरेक्ट करेंगे, मजे लेंगे, एंजॉय करेंगे, बच्चों से बातें करेंगे। बहुत हो रही हैं यार, आप देख ही रहे हैं हर जगह ट्रेंड हो रही है, वीडियोस चुटकुले बहुत फेमस हो रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है डांस प्लस में। आप देख, मजे तो आ रहे हैं, नंबर वन शो बना दिया आप लोगों ने उसे, रियलिटी शोज में सबसे नंबर वन शो है वो। सो यस, थैंक यू वेरी मच जी। यार मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उसमें मेरा दोस्त गए हुए एक सिद्धार्थ हैं और एक मुझे वो बहुत ऑनेस्ट लगते हैं भाऊ, बहुत दिल के साफ लगते हैं। okay, so मैंने देख, मैं तो दो, मैंने बोला ना दो को ही जानता हूँ सिर्फ। अरे यार हाँ वो भी यार, अरे तुम्हें क्या कर रही है, तुम्हें क्या कर रही है तो फेंक कर लगने लगे भाई भाई। गुड मॉर्निंग, यस एक्चुअली नाउ इट्स अ डिसेंट टाइम, अभी 9:30 हो गया है, सो इट्स डिसेंट। लेकिन मलाड मस्ती में ऑलवेज मस्ती ही होता है, बिकॉज आई थिंक जो ऑडियंस आती है दे ऑल प्रिपेयर टू हैव फन, दे वॉन्ट टू सी वॉट इज देयर ऑन स्टेज, सो हमारा काम उतना ही ईजी हो जाता है एज अ परफॉर्मर, सो इट वॉज गुड। या आई थिंक जहाँ भी क्राउड दिखे हमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, क्राउड से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, so it's very good, it's thriving, we thrive on all this, हमें मजा आता है, so I just feel it's nice. So कितने excited हैं मस्ती में आने के लिए? Excited? तो हम हमेशा मतलब चाय पीने के लिए भी excited होते हैं, I think excitement is there throughout for us, so I just feel we are the most excited couple on the planet. मलाड मस्ती हमेशा social cause के लिए भी जाना जा रहा है, इस बार माल न्यूट्रिशन के लिए। Yes. Yes, so उस पर आपका क्या take है? I think it's always जहाँ पे भी कोई cause होता है और आप इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी के लिए, तो आई थिंक दिस इज आवर वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड इट्स वेरी नाइस। कोई भी इनिशिएटिव हो, कैंसर हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, सेक्स एजुकेशन हो, पार्ट इज आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि मैल न्यूट्रिशन सिर्फ हमारे देश में और अफ्रीका, यही दो देशों में है। अगर आप एक आम इंसान जो अमेरिका में रहता है उसे कहोगे कि मैल न्यूट्रिशन से आधे से ज़्यादा लोग हमारे स्लम्स में मरते हैं तो दिल बी शॉक्ड। मैल न्यूट्रिशन क्या है उन्हें पता ही नहीं। डू यू नो कि आधा से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल डोंट हैव इनफ ऑफ फूड टू ईट और इवन वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि जहाँ पे वो लोग शौच करते हैं वही पानी थोड़े से देर के बाद वो लोग पीते हैं। ये शॉकिंग न्यूज़ मुझे पता चला जब बिल गेट्स इस देश के लिए कुछ करना चाहता है,
सो व्हेन आई हर्ड मैल न्यूट्रिशन आई सेड आई एम रियली गोना बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई थिंक अब हमें हमारे देश की जो यू नो समस्याएं हैं हमें कुछ करना चाहिए सीरियसली स्पीकिंग हमें कुछ करना चाहिए क्या करनी चाहिए यस यस ऑफ कोर्स वॉट एवर सोशल कॉज लेकिन इट शुड बी जेन्युइन अरे उससे बोलने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें बोलनी है लेकिन आई थिंक मेरे पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे मैंने ऑलरेडी यू नो पहल कर दी है I've already reached out to politicians about the same and if need be I might just go and stand there kyunki jitna bhi hum log kar sakte hain you know agar koi dusra cause hota hai to bahut sare bollywood celebrities unke liye wo cheez ke liye baat karte hain I don't know why they have pushed back I think salman has said something about it and little wherever people can they need to push this case I think shoot at sight rape kiya hai maro nahi mere cause mein sirf itna likha hai ki अगर ऐसा कुछ होता है आफ्टर द रेप इट्स बेसिकली 48 आवर्स एंड पनिशिंग कपड़े यू नो आप पकड़े जाओ उसके 48 आवर्स में सजा दे दो दैट्स इट क्योंकि एक माँ बाप को सुकून मिलता है दैट्स ऑल पसीना जो धूप में आता है स्टेज पे जाने के बाद आई थिंक इट्स गिव्स यू अ डिफरेंट हाई इट गिव्स यू नो बेसिकली जहाँ भी हम लोग इवेंट करते हैं ना एक इवेंट को बनाता है क्राउड और इवेंट को बिगाड़ती भी क्राउड है सो क्राउड इज वेरी इंपॉर्टेंट सो हम लोग यू नो वी आर द एडेड फैक्टर्स सो आई जस्ट फील द क्राउड इज वेरी एनर्जेटिक दैट्स व्हाई वी आर एनर्जेटिक बिग बॉस को मैं फॉलो करता हूँ थोड़ा 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 मैंने ऑलरेडी बात की अच्छा ओके आपके लिए नहीं आई थिंक बिग बॉस अच्छा चल रहा है एंड आई थिंक बिग बॉस सलमान के आने के बाद तो इट्स ऑन अ स्काई सो आई जस्ट फील दैट थोड़ी फिजिकलिटी कम हो जाए बिग बॉस में तो बेटर रहेगा अदरवाइज द एंटरटेनमेंट इज गोइंग ऑन शुक्ला गेम प्लान कुछ नहीं होता बिग बॉस में जैसे ही तुम प्लान करोगे बिग बॉस तुम्हारी वाट लगा देगा देयर इज नो प्लानिंग दे आर मूविंग विद द फ्लो अभी आपको एक टास्क देंगे वो टास्क को आपको करना है दैट्स इट और उसमें जो होता है उसके बाद जो लड़ाई होती है उसके बाद जो झगड़ा होता है तो टास्क उनको कोई थोड़ी पता होता है क्या होता है सो मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा बिग बॉस के लिए आई थिंक 8 साल हो गए या 9 साल हो गए मुझे बिग बॉस से निकलते हुए ऐसा कोई भी टाइम नहीं आया जहाँ पे एक इवेंट में मुझे पूछा नहीं गया हो या मेरे दोस्तों ने पूछा नहीं हो कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या नहीं सो बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है नहीं है जरूरत ही नहीं है so, नहीं मैं सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला द रेस्ट आर व्हाटएवर हूएवर डजंट मैटर या वेलकम क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे लोगों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं सब खुश हैं ऐसे ही हर दिन की शुरुआत होनी चाहिए और मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साल आई थिंक मलाड ही नहीं पूरे बॉम्बे में दादर बांद्रा जुहू अंधेरी हर जगह से बच्चे आकर परफॉर्म करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जी आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है असलम शेख जी का क्योंकि मैल न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी बच्चा मतलब उसे खाना उसके न्यूट्रिशन सब देखना बहुत ज़रूरी है एंड आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है अगर वो एक ये सबसे बड़ा कॉज है आई थिंक एंड हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं अगर देखा जाए तो मतलब मेरे हिसाब से एक भी बच्चा कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए तो आई थिंक मलाड मस्ती सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है और एक ऐसा कॉज सपोर्ट करता है बहुत अच्छी बात है मैं ऑडियंस से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये उन्हीं के वजह से है कि मलाड मस्ती जो है हर साल इतना बड़ा होते जा रहा है इतने एक्साइटेडली वो लोग यहाँ पर आकर परफॉर्म करते हैं दूसरों की परफॉर्मेंस देखते हैं ये बहुत बड़ी बात है एंड ऐसे ही आते रहिए अभी ये पहला संडे हुआ है और 3 संडेज़ बचे हुए हैं तो जो लोग नहीं आ पाए उन लोगों को आना चाहिए और इस शो को और बड़ा बनाना चाहिए आपने सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद
ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि मलाड मस्ती जो है बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और मैं लास्ट ईयर भी आया था एंड मुझे पूरा यकीन था कि इस बार भी ये बड़ा इवेंट होगा क्योंकि हर साल लोग बात करते हैं. आई थिंक सितंबर अक्टूबर से सब पूछने लगते हैं अरे मलाड मस्ती कब हो रहा है, लाइज इन कौन से संडे पे आ रहा है, कौन सी डेट्स है, लोग छुट्टियाँ ऐसे प्लान करते हैं. तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है. थैंक यू. नो क्वेश्चन ऑन बिग बॉस प्लीज. थैंक यू.